तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मेरी मासी की बहुत ही टेस्टी प्रॉन फ्राई की रेसिपी। ये बेहद ही इजी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। इसके लिए हम लहसुन की कलियाँ ले लेंगे ग्राइंडर में। इसमें हम थोड़ा सा अदरक ऐड कर लेंगे। एक मिर्ची को ऐड कर लिया है मैंने यहाँ पे। इसमें थोड़ा सा हम बिल्कुल थोड़ा सा धनिया डाल देना है इसमें। इसमें हम थोड़ा नमक ऐड कर लेंगे। इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर लिया है मैंने इसमें। इसमें जाएगा आधा टीस्पून चाट मसाला। इसमें हम 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड कर लेंगे। इसमें जाएगा आधा नींबू का रस। इसको हम इसमें निचोड़ कर इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा पानी यूज करके आप इसका फाइन पेस्ट बना सकते हो। बहुत ही कम पानी यूज कर लेना है इसमें। इस पेस्ट को हम हमारे प्रॉन्स में ऐड करके इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो इसमें थोड़ा कलर ऐड कर सकते हो या आप इसको स्किप भी कर सकते हो। इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून दही। इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसको हम कुछ देर के लिए मैरिनेट कर सकते हो। 30 मिनट के लिए इसको मैरिनेट करके हम थोड़ा पैन में तेल डाल देंगे। 1 से 2 टेबल स्पून तेल डाल दिया है मैंने पैन में। इसमें हम प्रॉन्स को ऐड करके इसको अच्छी तरह से इसमें पका लेंगे। इसके जूसेस ड्राई होने तक इसको पका लेना है। इसलिए ज़्यादा पानी मत डालना, नहीं तो बहुत सारा ग्रेवी बन जाएगा। इसको पूरी तरह से प्रॉन्स के गलने तक इसको पका लेना है और इसको ड्राई कर लेना है। ये ग्रेवी वाला डिश नहीं है। इसको आप दाल या एज अ साइड डिश खा सकते हो। और ये तैयार हो चुका है। बहुत ही टेस्टी बनता है ये। तो ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।